खुश आमदीद नाजरीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। 2023 के तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के दौरान राजेंद्र नगर के अत्तापुर MMQ कॉलोनी में ग्रुप मीटिंग मुनाकिद की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जेर निगरानी में मिर्ज़ा रहमत बेग MLC हैदराबाद, राजेंद्र नगर के MLA कैंडिडेट स्वामी यादव, सुलेमान नगर कॉरपोरेटर नवाजुद्दीन अहमद, हबीब जैन आरिफ एक्स कॉरपोरेटर ने ग्रुप मीटिंग की। इस मौके पर एरिया के AIMIM पार्टी के सदर मोहम्मद अजमद, MM पहाड़ी के नवाब सैयद अयूब अली हुसैनी मोहम्मद पटेल, इसके अलावा AIMIM पार्टी के इब्तदाई सदर मोहतमदीन और दीगर लोग भी मौजूद थे। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खास रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेस्क पर बैठे हुए जनाब नवाजुद्दीन अहमद साहब कॉरपोरेटर, जनाब हबीब जैन आरिफ साहब साबिक कॉरपोरेटर, जनाब महबूब पटेल साहब सीनियर MPC, जनाब अयूब नवाब साहब और मोहम्मद अजमत साहब इस एरिया के इब्तदाई के सदर और महबूब साहब, आज आप लोगों को बुलाने का मकसद, आप लोगों को तकलीफ देने का मकसद ये कि भाई आपकी कॉलोनी में हम दौरा नहीं कर सके, डोर टू डोर कैंपेनिंग, और हमने सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर आपसे एक ग्रुप मीटिंग लेकर आपको बताया जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार हैं जनाब स्वामी यादव साहब के हक में वोट देकर मजलिस को यहाँ से कामयाब किया जाए। आप देखिए, जब से नवाजुद्दीन अहमद साहब तफसीली बयान किए किस तरीके से यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी और उनके बजट के ऊपर आपकी कॉलोनी में बल्दी बरसी आबरसानी के तमाम डेवलपमेंट के काम कंप्लीट हो चुके, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग तकरीबन 500 के करीब वोटर्स है ये कॉलोनी में, वो लोग पूरे मजलिस के हक में वोट देने के लिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि ये रोड बनेगी टूटेगी, ड्रेनेज खराब होगी, फिर नहीं डालेंगे अपन, मगर ऐसा मौका नहीं आएगा मेरे भाई। आज हल्के असम्बली राजेंद्र नगर में किस तरीके से फिरकापरस्त पार्टी आगे बढ़ रही है, BJP पार्टी, लोगों को खाली ये बताया जा रहा है कि 15 साल से जो शख्स यहाँ का MLA है फिर वही कामयाब होगा बोलकर, नहीं है भाई वैसा, हकीकत में दूसरी चीज़ है। ये MLA नाकारा हो चुका है और फिरकापरस्त जो पार्टी के जो BJP का जो उम्मीदवार है उन्हें बहुत अंदरूनी काम कर रहा है, तो अपने को भी बहुत अच्छा मौका है। ये लोग आपस में जिस तरीके से लड़ रहे हैं और हम आपसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग आपका कीमती वोट मजलिस के हक में देने से बराबर मजलिस जमात यहाँ से कामयाब होगी। आप देखिए, कोविड के टाइम पर भी हल्के असम्बली राजेंद्र नगर का MLA कहाँ पर था, किसी दिन आवाम की तकलीफ में नहीं आया, आवाम किस तरीके से परेशान थी कोविड के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे, उस टाइम एक ही जमात थी अपनी सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमेशा फिक्र रहती थी कि राजेंद्र नगर असम्बली हल्के की आवाम के जो मुस्तहिक लोग हैं वो लोग तक राशन पहुंचाना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। हमने बहुत खिदमत की है, 24 घंटे आवाम के दरमियान में थे हम और कॉरपोरेटर साहब और हमारे सदर मुतमदी मिल के, तो हम यही चाह रहे हैं भाई कि आपका कीमती वोट मजलिस के हक में हो और मजलिस के उम्मीदवार का निशान पतंग है और बैलेट पेपर में जब पोलिंग बूथ पे आप जाएंगे तो बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर 4 के ऊपर जो बटन रहता है उसको दबाना है आपको,
वहाँ भी लोग तासुबियत करते हैं, साजिश करते हैं कि मिली से तैयार तो मुस्लिम के उम्मीदवार को वोट ना जाए उनका। तो इन चीज़ों का भी अपने को ख्याल रखना है। और हमेशा ऐसा होता है कि पोलिंग परसेंटेज कम हो रहा है, तो हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं आपके कॉलोनी के जितने करीब करीब 500 वोट है वो पूरे आप लोग डालने की कोशिश करिए। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं, अरे भाई मैं एक वोट नहीं डालने से क्या होता, एक वोट से भी हार जीत होती है मेरे भाई। आपको बाखूबी मालूम है जब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत थी, एक सालार का एमपी का वोट था, वो वोट उसको हरा दिया। तो वोट की बहुत अहमियत है, उसको समझना है अपने को। मैं 2018 में यहाँ से बंगी से सियादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार था, मैंने इलेक्शन हारा, मुझे ठोकर लगी और मुझे मालूम है इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके से ये फिरखा परस्त लोग हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जुम्मे का दिन था 2018 में जब मैं इलेक्शन लड़ा, पोलिंग का दिन जुम्मे का था, कई जनों को मैं बोला कि भाई आप लोग फजर के बाद वोट डालिए, नहीं साहब 10 बजे के बाद जाएंगे। अभी तो क्या 10 बजे जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जाएंगे, नमाज के बाद जब 4 बजे तक बूथ पे गए, बूथ के गेटा लगा दिया गया क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया, 5 बजे तक टाइम है, जो लोग बूथ के गेट के अंदर है वही लोग वोट डाल लेना बोलकर। तो ऐसे चीज़ें चलते हैं, तो अपने को भी होशियारी से काम करते हुआ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और हमारे बूथ के जो जिम्मेदार है जनाब अजमत भाई, उन्होंने आपकी बराबर पोलिंग बूथ तक लेके जाने के लिए मदद करेंगे। और आप लोगों से यही गुजारिश है, अवलिन वक्त आप पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने से बहुत बेहतर रहेगा। क्योंकि गुरु नानक स्कूल में तकरीबन 22 पोलिंग बूथ बन रहे हैं, वहाँ पर भी गए बाद थोड़ी तकलीफ होगी, बूथ नंबर अपना देख कर जाना क्या है, वो बूथ के ऊपर ही जाकर आप वोट डालना, नहीं तो दूसरी जगह चले गए, वहाँ नहीं है तुम्हारा वोट, यहाँ है वहाँ है बोल के 2-3 जगह कई बार इंसान को चिड़चिड़ा बना जाता, अरे पहला वोट को छोड़ो बोल के निकल जाता वोट नहीं डाल के। तो उस चीज़ को भी अपने को नज़र में रखते हुआ काम करना है मेरे भाई। कल ही